स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की सत्र 2022 और 23 के ब्लूप्रिंट से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है 8/6/2022, मतलब कि 8 जून 2022 को, जो कि यस्टरडे, कल के ही दिन ये बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। अब इसमें क्या कुछ बताया गया है, ब्लूप्रिंट के बारे में क्या बताया गया है, किस तरीके से आपके एग्जाम 2022 और 23 में होने वाले हैं, ब्लूप्रिंट कैसा रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर आने वाला है, सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, यहां पर क्या कुछ बताया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में यहां पर कहा जा रहा है कि कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 22/4/2022 एवं पाठ्यचर्य समिति की बैठक दिनांक 12/4/2022 में लिए गए निर्णय अनुसार सत्र 2022-23 ही चल रहा है। अगर आप इस साल 10th क्लास या 12th क्लास में है तो ये आपका सत्र 2022-23 है, मतलब सेशन, ठीक है। सिर्फ ब्लूप्रिंट अंक योजना में निम्नानुसार परिवर्तन कर लागू किया गया, मतलब ब्लूप्रिंट में अंकों में परिवर्तन किया गया, क्या कुछ चेंजेस किया गया, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th के बारे में बताया गया है, हाई स्कूल नियमित मूल्यांकन व्यवस्था, नियमित मतलब कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और हाई स्कूल मतलब होता है 10th क्लास। तो ये सबसे पहले 10th क्लास के स्टूडेंट्स को समझना है। इसके बाद 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में भी यहाँ पर आगे जानकारी आपको मिलेगी, 12th के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया गया, कुछ चेंजेस किया गया। तो देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी विषयों का मूल्यांकन हाई स्कूल 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा एंड 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहली बात ये आपको क्लियर हो गई है कि इस साल आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका 75 नंबर के होंगे। जितने भी आपके पेपर होंगे, 6 आपके जो टोटल पेपर होते हैं 10th क्लास में, तो सारे के सारे पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 75-75। इससे पहले क्या हुआ था, अभी आपके जो पेपर, मतलब आपके तो नहीं हुए होंगे 9th क्लास में भी हुए होंगे, 10th में आए हो तो 10th में आपके 75 के होंगे, इससे पहले 80 मार्क्स के हुए थे। मतलब कि 2021 और 22 में जो सत्र में स्टूडेंट ने 10th या 12th पास किए तो उनको पता होगा कि उनके पेपर 80 नंबर के हुए थे। फिलहाल हम 10th के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिछली साल जो पेपर हुए थे वो 80-80 नंबर के पेपर हुए थे, ठीक है। अब लेकिन जो आपका पेपर होगा वो आपका 75 नंबर का रहेगा, ये 75 नंबर आपके रहेंगे थ्योरी के, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर आपके रहेंगे प्रैक्टिकल के और आंतरिक मूल्यांकन के। तो ये आपके 75 तो हो गए भैया थ्योरी के, ठीक है। इसके बाद 25 आपके ये हो गए प्रैक्टिकल के और आंतरिक मूल्यांकन के। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता तो उनका इंटरनल असेसमेंट होता है, उसके 25 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपके 100 नंबर हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके पेपर 75 नंबर के आने वाले हैं, 25 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, 80 नंबर का नहीं होगा, अब 75 नंबर का होगा, 5 नंबर और कम कर दिए। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है प्रायोगिक विषय, मतलब के विज्ञान, आपके जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट विज्ञान रहता है, मतलब साइंस ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है ये। विज्ञान के बारे में, मतलब साइंस के बारे में बात करें तो आपके 75 नंबर का तो आपका साइंस का पेपर होगा, और उसके बाद 25 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन रहेगा, इसमें ही आपका प्रैक्टिकल इंक्लूड रहेगा। तो प्रैक्टिकल के नंबर कैसे मिलेंगे आपको, इसको नीचे यहाँ पर बताया गया है। तो पहले तो ऊपर देख लीजिए, ये इसको समझ लीजिए, आप साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम साइंस का 75 नंबर का पेपर आएगा, 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट रहेगा, आंतरिक मूल्यांकन। इसमें देखिए आपके प्रायोगिक, मतलब प्रैक्टिकल आपका 15 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का, 15 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, और 5 नंबर आपको टर्मिनल के और 5 नंबर आपको हाफ ईयरली एग्जाम के मिलेंगे। तो 10 मार्क्स आपको टर्मिनल और हाफ ईयरली के और 15 नंबर आपको प्रैक्टिकल के। इस तरह से आपके 25 नंबर हो जाएंगे आंतरिक मूल्यांकन के और 75 नंबर आपके थ्योरी के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इस नोट को भी समझ लीजिए। त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के कुल प्राप्त अंक का 5% अर्थात अधिकतम 5 अंक जुड़ेंगे। त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान के सैद्धांतिक, मतलब जो थ्योरी है, और एवं प्रायोगिक परीक्षा के कुल प्राप्त, उसमें से टोटल जो नंबर रहेंगे 100% तो हो जाएगा, टर्मिनल में 100% हो जाएगा, मतलब 25 आपके इंटरनल और आपके 75 आपके रहेंगे थ्योरी के। तो 100 में से 5%, मतलब 5% 100 का 5 ही होता है, मैक्सिमम 5, तो उसका 5% लिया जाएगा और मैक्सिमम जो नंबर आएंगे वो जोड़े जाएंगे, ठीक है, तब जाके आपका ये रिजल्ट बनेगा। इसके बाद थ्योरी के, इसके अलावा साइंस के अलावा जितने भी हैं आपके, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, संस्कृत है, उर्दू है, सोशल साइंस है, सब के आपके 75 नंबर के पेपर होंगे, 25 नंबर के इंटरनल असेसमेंट रहेंगे, आंतरिक मूल्यांकन, 15 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा इसमें, और 5-5 नंबर आपके टर्मिनल और हाफ ईयरली की जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पर अभी बताया था, वही प्रोसेस यहाँ पर रहेगी, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया। बाकी थ्योरी के सब्जेक्ट आपके 75 के 25 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के। अब आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा आपको डिटेल में उलझने की जरूरत नहीं है, क्लियर मैंने आपको बता दिया, वही बात यहाँ पर बताई गई, तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हायर सेकेंडरी के बारे में, तो अब बात करते हैं हायर सेकेंडरी जो कि आपकी क्लास 12th है। तो 12th वाले स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देख लीजिए आपका क्या कुछ चेंजेस हुआ है इसमें, देख लीजिए। हायर सेकेंडरी नियमित मतलब रेगुलर, सौदाशी मतलब प्राइवेट मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व सत्र 2021-22 के अनुसार ही लागू रहेगी। तो भाई हायर सेकेंडरी में जो व्यवस्था है वो लास्ट ईयर मतलब 2021-22 की तरह रहेगी, लेकिन इसमें कुछ चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँ। हायर सेकेंडरी के नियमित छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के बनाए जाएंगे, ठीक है, एंड 20 अंक 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित किए गए हैं। तो मतलब ये है कि आपके जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं वो आपके 80 नंबर के आएंगे, पहले भी आए थे, और 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे, तो पहले भी मिले थे, वही कुछ रहेगा, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए। तो इसमें 80 नंबर का आपका पेपर पहले आया था, इस साल भी 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले रहते हैं उन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के बारे में भी हम देखेंगे। पहले तो इन सब्जेक्ट को देख लीजिए, ये 80 नंबर का आपका हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत, उर्दू, मराठी, हिंदी, अच्छा ये सारे 80 नंबर के आएंगे, 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के। लेकिन जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल होता है प्रायोगिक, उनका 70 नंबर का होगा। देखो ये प्रैक्टिकल वाले यहाँ पर बताए गए हैं, ये आपके 70 हैं, और 30 नंबर के आपका प्रोजेक्ट रहेगा, तो 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल होगा, बाकी आपका 70 नंबर का आपका थ्योरी होगी, और 30 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है, ये आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब हम आगे इसको सारे सब्जेक्ट देख लीजिए और आगे देखते हैं क्या कुछ बताया जाए। CBSE द्वारा 2022-23 से निर्धारित पाठ्यक्रम से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे, वही CBSE पैटर्न लागू किया गया है। प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा? 40% आपके इजी सरल आएंगे, 45% आपके सामान्य आएंगे, और 15% आपके कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये कुछ जानकारी यहाँ पे बताई गई, तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये कुछ चेंजेस हुआ है, बाकी ब्लूप्रिंट में कोई नया कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ जो अंक विभाजन है, तो अंक योजना में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, जो मैंने आपको बता दिया क्या कुछ चेंजेस किया गया है। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, सारा कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया। जैसे भी न्यू अपडेट आएगा उसको आपको बता दिया जाएगा, ब्लूप्रिंट से रिलेटेड, मतलब यही ब्लूप्रिंट पे है, इसको भी ब्लूप्रिंट कहते हैं, सिर्फ नंबर में चेंजेस किया गया है, बाकी आपके क्वेश्चन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें चेंजेस किया गया है, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट था, जैसे भी नया अपडेट आएगा बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सही समय पर आपको जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब भी न्यू अपडेट आएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। बाकी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।